उन्नाव रेप पीड़िता को सड़क हादसे में भर्ती होने के बाद ट्रामा सेंटर में आज 5 दिन हो गए। इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर संदीप तिवारी हैं, जो लगातार उसकी देख रेख में हैं, इस केस को देख रहे हैं। सर, क्या लगता है कि आज आप अंदर से आए हैं अभी, तो क्या हाल है सर पीड़िता का? पीड़िता और वकील साहब का स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है, लेकिन स्थिर है। वकील साहब को कल से बिना वेंटिलेटर के रखा गया है और वो उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हालांकि उनको ऑक्सीजन लगी हुई है। कल दोनों मरीजों की ट्रेकियोस्टोमी करा दी गई थी, जो गले में सीटी लग कर जाती है। अगर पेशेंट 4 से 5 दिन वेंटिलेटर पर रहता है तो उसके बाद ट्रेकियोस्टोमी किया जाना एक प्रोटोकॉल होता है, जिससे सांस लेने में आसानी होने लगे। पीड़िता को अभी भी वेंटिलेटर से हटाया नहीं जा सका है, वो लगातार वेंटिलेटर पे बनी हुई है। और कल से उसको रात से बुखार आने की शिकायत हुई है, जिसके कारणों को हम लोग देख रहे हैं कि बुखार क्यों आ रहा है। सर, जैसा कि देखा जा रहा है, आपने भी बताया है कि डॉक्टरों की एक अच्छी टीम लगी हुई है, पर कई तरह के पॉलिटिकल लोगों का कहना यह है या उसके परिवार का लोगों का कहना यह है कि इसको एयरलिफ्ट द्वारा दिल्ली भेजा जाए। तो आपको लगता है कि ऐसे हालत में इसको एयरलिफ्ट द्वारा दिल्ली भेजा जाना चाहिए? देखिए, उनकी स्थिति स्टेबल है, उनको भेजा जा सकता है, लेकिन अगर परिवार वाले चाहें, हम लोग अस्पताल प्रशासन सिर्फ और सिर्फ अगर कोई परिवार वाला ऐसा चाहता है कि नहीं उनके मरीजों को दिल्ली भेजा जाए, तभी हम भेजने की कवायद कर सकते हैं और तभी हम भेजने की कवायद करेंगे। अभी तक हमारे अस्पताल प्रशासन से या ICU के डॉक्टर से उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने ये नहीं कहा है कि हाँ वो दिल्ली ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर संदीप, बात करें, अगर आज 5 दिन हो चुके हैं तो क्या लगता है कि अभी यहाँ पे उनको कितने देर और रहना पड़ेगा बेहतर सुधार के लिए? ये कह पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जो मरीज वेंटिलेटर पे होते हैं और बेहोश होते हैं और उनमें जब कई सारी इंजरीज होती हैं, तो कितने दिन में उनकी रिकवरी होगी, होगी कि नहीं होगी, ये अभी कहना बहुत अर्ली है। ठीक है, थैंक यू सर बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे डॉक्टर संदीप तिवारी, जिनका कहना ये है कि अभी पीड़िता की हालत में, वकील की हालत में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। उनके गले में एक CT सिस्टम लगाया गया है, जिससे वो सांस ले सके। खैर, अभी दिल्ली भेजने पे उनका निर्णय मेडिकल कॉलेज की तरफ से कोई नहीं आया है। डॉक्टर संदीप का कहना यह है कि अगर परिवार द्वारा ये निर्णय लिया जाता है तो हम ज़रूर भेजेंगे। संदीप खेर, कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ, R9 TV लखनऊ।